का प्रेमी इस धरती पर और कोई नहीं है। अब गोपियों से बड़ी गोपियां प्रेम की जा, लेकिन गोपियों ने भी कृष्ण के सामने क्या स्वीकार किया? व्रज जनार्ति हं वीरयोषिता निज जन स्मय द्वंसन। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। भज खे भव किंकरी बज सके भव किं करी स्मनो जलनम चारुदर्श। हे व्रज जनार्ति हन, हे व्रजवासियों के दुखों को दूर करने, हे श्याम सुंदर आपकी ये मंद मंद मुस्कान हमारे गर्व को चूर चूर कर, हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत अभिमान रह भी गया हो, लेकिन आप जब मुस्कुराते हो हमारा अभिमान भी खत्म हो जाता है। ब्रज जनार्ति हन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंस। आप अपने निज जन, आप अपने भक्तों के गर्व को अभिमान को अपनी मंद मंद मुस्कान से खत्म कर देते हो। ऐसे कृष्ण भज सखे, हमने आपका भजन, हमने आपसे प्रेम किया है। कृष्ण ने कहा कौन लगती हो आप मेरी? तो गोपियों किंकरी स्मनो, हम आपकी कौन है? कौन है? किंकरी। किंकरी शब्द कभी सुना आपने? किंकरी संस्कृत शब्द है। इससे ये किंकरी शब्द का अर्थ क्या है? किम करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, जो अपने स्वामी को हर दो दो मिनट में पूछती रहे, किम करूं, किम करूं, क्या करूं, क्या करूं, इसलिए नाम हो गया किंकरी। माने दासी। भज सके भव किंकरी स्मनो, हे कृष्ण हम आपकी किंकरी है, आपकी। कृष्ण ने कहा तो किसने कहा? दासी बनने को कहा तुमको? गोपिया कहती हमारा कोई दोष नहीं है, दोष कृष्ण आपका। आप दिखने में इतने सुंदर जो हो, आप इतना सुंदर लगते हो, बार कोई देख ले तो बिना मोल की दासी बन जाएगी। दुनिया के दास दासी तो वेतन लेते हैं, सैलरी लेते हैं, लेकिन आपके रूप आपकी सुंदरता को कोई देख ले तो अशुल्क दासी का। और दूसरे श्लोक में कहा शर आसये साधु जातस सरसी जो तर श्री मृषा सुरत नाथ ते अशुल्क आसिका। हम कौन है? हे सुरतनाथ, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनी घनतो नेहिवद। शरद ऋतु में सरोवर का जल बहुत निर्मल होता है और उस निर्मल सरोवर के जल में तो कमल खिलता है और उस कमल के बीच में जो पराग होती है ना, बड़ी सुंदर होती है, लेकिन कृष्ण आपके सामने वो पराग भी कुछ नहीं है। शरद ऋतु के सरोवर के जल में उगने वाले कमल की जो बीच की सुंदरता है वो भी आपके सामने कुछ नहीं। आप इतने सुंदर हो और आपकी सुंदरता को देखकर हम आपकी बिना पैसे वाली नौकरानी बन चुकी है, अशुल्क दासी का, बिना वेतन की दासी बन चुकी है हम आपकी। गोपियां किस रस में? माधुर्य रस में। गोपियों ने कौन सा माधुर्य प्रेम किया? लेकिन उस गोपियों ने अपना स्थान क्या समझा? अशुल्क दासी। बार बार मैं ये आपको बताना चाहता हूं, नंद बाबा ने क्या माना? हम दास हैं। सखाओं ने क्या माना? हम कृष्ण के दास हैं। गोपियों ने क्या कहा? अशुल्क दासी का, बिना पैसे की नौकरानी दासिया है। नो, हम आपकी किंकरी हैं।
और इसलिए तो वित्रासुर कह रहा है, अहम हरे तव पादेकमूलम दासान दास। इसलिए प्रभु दास बना।